नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे फार्मेसी हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टिशू। टिशू का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। तो आज आपका ये टिशू वाला टॉपिक समझ लीजिए समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मैंने फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे टिशू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इस टिशू के बारे में आज हम बात करेंगे, टिशू की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। तो अ टिशू इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टिशू होते हैं, जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं दोस्तों, तो टिशू बनता है। और ये जो टिशू होते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं। टिशू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो दोस्तों ये होता है, तो जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो टिशू बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिशू। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। टिशू ऑफ द बॉडी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। इसको चार तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन पे एपिथेलियल टिशू, कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू, नर्वस टिशू। चार प्रकार के टिशू होते हैं दोस्तों। अब जो एपिथेलियल टिशू होता है उसको भी सब क्लासिफाई किया जाता है। इसको सिंपल एपिथेलियल टिशू और कंपाउंड एपिथेलियल टिशू में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें है स्क्वैमस एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम। इधर दोस्तों इसमें कौन कौन सा आता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, नॉन कॉर्निफाइड। ये कॉर्निफाइड है दोस्तों, ये नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये हो गया दोस्तों इसका। अब कनेक्टिव टिशू लास्ट हमारा बचा है, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर मस्कुलर का, नर्वस का, एपिथेलियल टिशू का देखें। कनेक्टिव टिशू का हम देखेंगे तो एलोलर कनेक्टिव टिशू आता है, वाइट फाइब्रस टिशू आता है, येलो इलास्टिक टिशू आता है, एडिपोज टिशू, लिम्फॉइड टिशू, रेटिकुलर टिशू, कार्टिलेज। कार्टिलेज में तीन आते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद में दोस्तों ये ब्लड और लिम्फ आता है। मस्कुलर टिशू में स्केलेटल टिशू, विसरल टिशू और कार्डियक टिशू, ये तीन प्रकार के टिशू आते हैं मस्कुलर टिशू में। आगे हम बात करेंगे नर्वस टिशू, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। तो ये दोस्तों हो गया इसका क्लासिफिकेशन, कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसका क्लासिफिकेशन एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्लासिफिकेशन आता है।